द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनियस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखिये ऐसा क्या होता है इन लेगुमिनियस प्लांट्स में इनकी क्वालिटी है एक कि जो रूट नोड्यूल की जो रूट नोट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि विच फिक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर टू नाइट्रोजन कंपाउंड लेग्युमिनियस क्रॉप की जो रूट्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जिसका क्या काम होता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स में और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये न्यूट्रिय होते हैं जो एक सॉइल को चाहिए होते हैं दीज कंपाउंड गो इन टू सॉइल एंड इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी और ये जो कंपाउंड जो होते हैं सॉइल के अंदर बन रहे होते हैं और फिर सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं आपके जो तो जो आपका लेग्युविनियस प्लांट है ये आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह ही काम करते हैं जैसे जैसे अगर आप पीज या कोई भी दाल लगा रहे हैं कोई भी पल्स लगा रहे हैं ग्राउंडनट लगा रहे हैं तो उसको आप उसके लिए आपको सॉइल में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लांट ही अपने आप में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को जनरेट करता है सॉइल के अंदर जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन जो आपका जैसे वीट है राइस है तो ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स नहीं है तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एड करने पड़ेंगे अब ये डिफरेंस देखिए मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में फर्स्ट पॉइंट है मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू क्या है manure एक manure एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट या फिर ह्यूमन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है और फर्टिलाईजर क्या है एक सॉल्ट है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक केमिकल कंपाउंड है मेन्योर जो होता है सेकेंड पॉइंट देखिए मेन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लान न्यूट्रेंट पहले ही पढ़ाता मेन्योर में जो न्यूट्रिय होते हैं देखिए एसेंशियल प्लान न्यूट्रेंट भी बताए थे क्या होता है एन पी के एन फॉर नाइट्रोजन पी फॉर फॉस्फोरस एंड के इज अ सिंबल ऑफ पोटेशियम तो मेन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक मैटर एज कम्पेयर टू द ह्यूमस और फर्टिलाइजर्स में जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं एन पी के थर्ड पॉइंट है मेन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस यहाँ मेन्योर में ह्यूमस आपको ज़्यादा मिलती है एंड फर्टिलाइजर में इट ड नॉट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल ये किसी भी तरह से ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करता ये सिर्फ न्यूट्रिय देता है फोर्थ पॉइंट मेन्योर इज अब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज़ नॉट मच सॉल्यूबल इन वाटर मैन्योर जो होता है वो बहुत ही स्लोली बहुत धीरे धीरे पानी में सॉरी प्लांट्स उस चीज को बहुत धीरे धीरे एबजॉर्व करते हैं लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बींग सोलबल इन वाटर और फर्टिलाइजर इज रीडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फर्टिलाइजर्स चूँकि पानी वाटर में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं इसीलिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ईजिली प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं फिफ्थ पॉइंट है मेन्योर कै